नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं नीतीश कैबिनेट की बैठक में 11 चरणों में पंचायत चुनाव के आयोजन को मिली सहमति के बाद अब 24 अगस्त को अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। हालांकि सरकारी जानकारों के अनुसार 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच चुनाव का आयोजन करवा लिया जाएगा। इन सब के बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 से अधिक संतान वालों और कोरोना टीका नहीं लेने वालों के लिए जरूरी जानकारी साझा की है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं होगी। यानी कि पंचायत चुनाव में वैसे उम्मीदवार भी अब हिस्सा ले सकेंगे जिनकी 2 से अधिक संतान हैं, साथ ही वो चुनाव लड़ सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है। यानी कि पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने टीका लेने की अनिवार्यता को हटा दिया है। राज्य निर्वाचन कार्यालय सूत्रों के अनुसार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद ही 2 बच्चों से अधिक वाले माता पिता को चुनाव लड़ने से वंचित करने के प्राविधान किए जा सकते हैं। अब तक सरकार या आयोग के स्तर पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है, जिसके परिणाम स्वरूप अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार भी आसानी से पंचायत चुनाव का हिस्सा बन सकते हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की कुल संख्या की फाइनल सूची जारी की है, जिसके हिसाब से 7,49,65,804 मतदाता हैं। इनमें पुरुष वोटरों की संख्या 3,93,88,722 है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 3,55,74,340 है। वहीं पंचायत चुनाव में थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 2,742 है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 18 से 19 साल के बीच के 9,44,090 मतदाता हैं। इसी साल फरवरी महीने में आयोग ने फाइनल सूची का प्रकाशन किया था तो 2,18,217 वोटरों की सूची से बाहर कर दिया गया था। ये वैसे वोटर थे जिनका 1 से ज्यादा जगहों पर नाम था। हालांकि इन सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बात का भी खास ध्यान रखने की अपील की है कि पंचायत चुनाव का आयोजन त्योहारों वाले दिन नहीं करवाया जाएगा, जिसका ध्यान आयोग ने बखूबी रखा है। आयोग के कैलेंडर के मुताबिक चुनाव के दौरान आने वाले त्योहारों पर अवकाश रखा गया है। 12 अक्टूबर को दुर्गा सप्तमी और 15 अक्टूबर को दशहरा है। 19 अक्टूबर को ईद है। इस दौरान चुनाव की तारीख नहीं रखी गई है। चौथे और पांचवें चरण के मतदान को 20 और 24 अक्टूबर को कराया जाएगा। इसी तरह 4 नवंबर को दिवाली, 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 6 नवंबर को भैया दूज है। इसीलिए दिवाली से एक दिन पहले 3 नवंबर को छठे चरण का मतदान है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है, जिसके तहत जिला परिषद सदस्य के 1,161, मुखिया के 8,386, सरपंच के 8,386, पंचायत समिति के सदस्य के 11,497, कचहरी पंच के 1,14,667 और वार्ड सदस्य के 1,14,733 पद पर चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि कोरोना और बाढ़ के माहौल के बीच पंचायत चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग कैसे करवाती है, ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।